सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। साल में दो बार नवरात्रियां आती और उन नवरात्रियों में कोई भी घर भारतवर्ष में ऐसा नहीं है जिस घर में भगवान ने थोड़ी भी सामर्थ्य दी है, सुविधाएं प्रदान की हैं, उन घरों में कन्याओं को नवदुर्गा के दिन बुलाया जाता है, उनका पूजन किया जाता है, उनका उनकी आराधना की जाती है। क्या समझ करके? आदि शक्ति समझ करके, जगत जननी समझ करके, भगवती समझ करके, पराम्बा समझ करके, जगदम्बा समझ करके कन्याओं का सभी घरों में पूजन होता है। सभी घरों में अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भोग्य पदार्थ हैं, भक्ष्य भोज्य ले ही चोष्य आदि भोज्य पदार्थों के द्वारा उन कन्याओं को भगवान भगवती मान करके, जगत जननी मान करके भोग लगाया जाता है। उनको बड़े प्रेम से उनकी आराधना की जाती है, उसके बाद में तिलक किया जाता है, मालाएं पहनाई जाती है, उनके चरणों की धूलि प्रत्येक भारतीय अपने मस्तिष्क पर रख करके अपने आप को भाग्यशाली अनुभव करता। क्यों उन छोटी छोटी कन्याओं की पूजा क्यों होती है सज्जनों? जन्म से ही वो लक्ष्मी स्वरूपा है। आपने सुना होगा पुराने जमाने में कभी कोई विवाह की चर्चा भी चलती थी ना, तो कोई कहता था तो तुरंत सामने वाला कहता था लक्ष्मी आ रही है, मना मत करना। लक्ष्मी मतलब बहू आ रही है, मतलब बहू नहीं आ रही है, लक्ष्मी आ रही है, लक्ष्मी का स्वागत करो। कोई देखने तो माता पिता भी नहीं जाते थे, बच्चे तो आपस में किसी को देखते नहीं थे, लक्ष्मी आ रही है। वह जन्म में भी लक्ष्मी थी, दुर्गा पूजा के समय भी आदिशक्ति भगवती लक्ष्मी स्वरूपा थी, विवाह के समय भी लक्ष्मी स्वरूपा थी। पर आज के लोग इस रहस्य को नहीं जानते हैं। दुर्गा पूजा तो आपके घर में भी होती है, कन्याओं को आप भी भोजन करवाते हैं, पूजन आप भी घर में करते हैं, पर एक गलती करते हैं सज्जनों, क्या? अपने बच्चों को सावधान नहीं करते। कम से कम नवदुर्गा के अवसर पर भी अपने बच्चों को अगर हर घर में थोड़ी शिक्षा दी जाने लगे, जिन कन्याओं का पूजन आप करते हैं, आप घर के नवयुवकों से बच्चों से करवाया करो, और बच्चों से कन्या का पूजन कराने के बाद में और भोजन कराने के बाद में तिलक कराने के बाद में उनके चरणों के धूली माथे पर रखवाने के बाद में प्रत्येक बच्चों को हाथ में जल लेकर के संकल्प करवाना चाहिए, आज से मैं किसी माँ बहन बेटी का अपमान नहीं करूँगा। क्योंकि संसार में जितनी भी कन्याएं हैं, स्त्री जाति, वो सब भगवती स्वरूपा है, जगदम्बा स्वरूपा है, इसलिए सबको माँ मान करके सबका सम्मान करूँगा, अपमान किसी का नहीं करूँगा। अगर नवदुर्गाओं के इस त्यौहार से अगर आप इतनी सी शिक्षा ले लें और बच्चों को मात्र इतना सिखा दें तो भारतवर्ष फिर सुधर जाएगा, फिर भारतवर्ष में कभी किसी माँ बहन बेटी का अपमान नहीं होगा। पर केवल हम लकीर के फकीर बने रहते हैं, इन ग्रंथों को सुनते रहते हैं, कथाएं सुनते रहते हैं, पूजन करते रहते हैं, समंदरों में भी जाते रहते हैं, तीर्थों में जाते रहते हैं, तीर्थों में देखो तो भीड़ लगी हुई। इस कोरोना काल में भी सरकार चिल्ला चिल्ला के कह रही है भीड़ मत करो, भीड़ मत करो, कोई मानने को तैयार नहीं। हमारे बिहारी जी में चलिए तो पैर रखने की जगह नहीं है, इतनी भीड़ होती है। कहने का तात्पर्य, देखने के लिए तो तीर्थों में बहुत धर्मात्माओं की भीड़ दिखाई देती है, पर एक भीड़ से केवल हम धर्म का आंकलन नहीं कर सकते। धर्म जब तक हमारे आचरण में नहीं होगा वो धर्म धर्म ही नहीं होगा। धर्म जब तक इन ग्रंथों में रहेगा, इन पुस्तकों में रहेगा, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, गीता में, भागवत में, रामायण में रहेगा, तब तक सज्जनों धर्म हमारे किसी काम का नहीं होगा। और भगवान भी जब तक मंदिरों में रहेंगे, तीर्थों में रहेंगे, तब तक हमारे किसी काम में आने वाले नहीं है। इसलिए भगवान की अनुभूति प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतःकरण में करनी चाहिए और प्रत्येक जीवात्मा के अंदर भगवान की अनुभूति करनी चाहिए। जिस दिन हम ऐसा करना प्रारंभ कर देंगे उसी दिन हमारे जीवन में एक भी पाप नहीं बनेगा।